नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करते हैं और देखते हैं आज का दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो जैसा चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने देना है। कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस स्तर से, जिस दृढ़ता के साथ आप आज के दिन अपने जीवन में खड़े हुए हैं, वो पड़ाव काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। साथ ही साथ कुछ नया आपके लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, सूचना, संकेत या कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आर्थिक उन्नति के संदर्भ में आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है, जो आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाएगी। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव, खास तौर पे कोई वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति अगर आप चिंतित थे, तो वो सिचुएशन अब कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन ओवरऑल सिचुएशंस को काबू पाकर चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर, अपने अधीन में लेकर आगे बढ़ने के लिए है। साथ ही साथ उन सभी लंबित मैटर्स को आज के दिन आप अध्ययन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जो इतने समय से पारिवारिक स्तर पर पेंडिंग चल रहे थे। अगर कोई लीगल तनाव चल रहा है तो आप उसको भी एड्रेस कर सकते हैं और पॉजिटिवली मूव करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं तो आज के दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी एक स्टेप, इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ एक प्रयास आपके लिए सार्थक होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपका मेंटर, गुरु या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आज के दिन आपको या व्यक्ति विशेष से कोई महत्वपूर्ण राय, दिशा निर्देश मिल सकती है, जो प्रोफेशनली आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जा सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बैलेंस बनाने का है, सिनर्जी बनाने का है और कोऑपरेटिव व्यू लेकर, यानी कि सबका साथ लेकर आप आगे चलें, चाहे वो कार्यक्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, तो आपकी सिचुएशन सही आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आज के दिन आप कोई डील क्लोज कर सकते हैं, खासतौर पर प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट मैटर्स में, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा माइलस्टोन आप टच करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, तो आप अपने लिए पॉजिटिविटी एम्ब्रेस कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नेगेटिविटी को लेकर आ सकता है, खासतौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, अवसाद, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए नेगेटिविटी या नेगेटिव रिसोर्सेज या ऐसे व्यक्ति विशेष जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल या मनोबल को नीचे लेकर आते हैं, उनसे इमीडिएटली अपने आप को डिटैच करने का। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशंस आपके फेवर में आए, तो उन सभी चीज़ों को ग्रहण करिए, कुछ लर्निंग करिए, कोई लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक पे काम करिए, जो आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है, यानी कि जो आपके मन को शांत भी जा सकती हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन प्रॉपर्टी संबंधित मैटर्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल या लाभदायक साबित हो सकता है। ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, आप लॉन्ग ड्राइव में परिवार के किसी सदस्य के साथ जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव या ड्राइविंग या ट्रैवलिंग आपके लिए जो स्ट्रेस बस्टर साबित हो सकती है, वो आपके द्वारा जीवन में चल रहा कोई भी स्टेप या इनिशिएटिव जो आप लेना चाहते हैं, उसमें आप अपने व्यक्ति विशेष जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके जीवन में चल रहा तनाव को कहीं ना कहीं कम करता हुआ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एब्रॉड में सेटलमेंट के इच्छुक हैं, उसमें भी पेपर वर्क अगर रुका हुआ था तो वो भी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक स्थिरता और दृढ़ता बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करके आगे बढ़ते चलिए। जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन, जिस तरह से आप चल रहे हैं वो काबिले तारीफ है, उसी तरह से सिचुएशन को एड्रेस करिए, चलते चलिए, आपको अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कोई बीमारी से संबंधित कोई दवा खाते हैं, तो वो भी अब हो सकता है उसके डोजेज कम हो या वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे। जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, आज के दिन आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है, जो कार्यक्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के संदर्भ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट में सोच सकते हैं, दैट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर आप फोकस कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी सब तरफ से लेकर आएगा। मन को शांत रखना है। आज के दिन सामान्यता जैसी चीज़ें चल रही हैं परिवार में चलती रहेंगी, कुछ विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी बैलेंस बना रहेगा, हारमोनी बनी रहेगी। आज के दिन किस तरह से आप इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, जो आपको मेंटल पीस की तरफ लेकर जाए, तो वो काफ़ी काबिले तारीफ सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी आज के दिन नज़र आ सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए एक पॉजिटिव एक मूवमेंट हो सकता है, मोटिवेशन का साबित हो सकता है और आप अपने ऊपर भी आज के दिन काम करते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करिए, अपने मन को शांत रखिए। सारी चीज़ें सामान्यतः जैसी चल रही हैं चलती रहेंगी, कुछ खास उतार चढ़ाव ना तो आपको रिश्तों में, ना प्रोफेशनली, ना अदरवाइज सामाजिक रिश्तों में आपको देखने को मिलेगा। सब तरफ से चीज़ें इंटैक्ट हैं, पॉजिटिव हैं, चल रही हैं। अब सुकून के साथ आप आज का दिन बिता सकते हैं। बस अपने ऊपर आपको कैसे काम करना है, आंतरिक पीस या मेंटल पीस पर कैसे आपको चीज़ें और पॉजिटिव करनी है, उस पर आप एक बेहतर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उस पर काम करने की आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे भी काम करना चाहते हैं तो आज के दिन आपके लिए अवसर या अपॉर्चुनिटीज खुलते हुए नजर आएंगे। परिवार के किसी सदस्य के लिए या उसके साथ आप कुछ ना कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं और ये विचारधाराएं आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती हैं। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सब तरफ से पॉजिटिविटी, स्थिरता, मानसिक शांति लेकर आएगा। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान, इंटरेस्ट बना रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, सामाजिक साख प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बुजुर्गों का, गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन इंट्रोस्पेक्टिव व्यू में अगर मैं लेकर देखूं तो आंतरिक पीस या आंतरिक सुख के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। सभी चीज़ों को एसिमुलेट करके या एक्यूमुलेट करके अगर आप आगे चलते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कोई एक महत्वपूर्ण या ठोस निर्णय ले सकते हैं जो आपकी सिचुएशन सब तरफ से पॉजिटिव करके जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप अपने स्टेप्स कुछ ऐसे ले सकते हैं जहां पर आप परिवार के लिए कुछ नया खोज या कुछ नई परिस्थिति क्रिएट कर सकते हैं तो आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम माना जा सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मगर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको मेंटल स्ट्रेस से भरा मिल सकता है। खास तौर पे अपने पार्टनर के साथ आपकी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बहस हो सकती है तो वहां पर आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं आपके भी और आपके पार्टनर के भी। अगर आप उन सभी चीज़ों को, तथ्यों को अच्छी तरह से वैल्यूएशन करेंगे, समझेंगे, आकलन करेंगे और सब तब हो सकता है कोई ना कोई एक रूम डेवलप हो कम्युनिकेशन का, बातचीत का, साझा बातचीत का, जिससे कि परिस्थितियाँ नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन जल्दबाजी में अगर ईगो इशूज़ को लेकर छोटी छोटी बातों में तनाव लेंगे तो फिर हो सकता है आपकी वाणी में भी कटुता आ जाए और आपके पार्टनर द्वारा भी कुछ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग हो जाए जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तोड़ भी सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको सता सकते हैं, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। खान पान पर विशेषता आपको पूरी तरह से कंट्रोल बनाना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो आपके लिए आपको लगता है कि नुकसान दे सकती हैं। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में बैलेंस बना हुआ है, नॉर्मल परिस्थिति चलती रहेगी, कुछ खास उतार चढ़ाव कार्यक्षेत्र के संदर्भ में देखने को नहीं मिलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक लाभदायक इशू हो सकता है कि आपको कोई स्ट्रेस लेवल्स है नहीं और सारी चीज़ों को आपने बैलेंस कर लिया है। साथ ही साथ अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान बना रहेगा। परिवार में कोई छोटा गेट टुगेदर भी हो सकता है जो आपके जीवन में चल रहा करंट स्ट्रेस या तनाव से आपको रिलीफ करके जा सकता है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए, सफलता की तरफ आप आगे अग्रसर हो चुके हैं। अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं या हाल फिलहाल में आपने नौकरी चेंज करी है, दोनों ही संदर्भ में, दोनों ही अगर मैं एस्पेक्ट्स को कंसिडर करूँ, आपके लिए पॉजिटिविटी प्रोफेशनली, मेंटली, सामाजिक रूप से भी सब तरफ इंडिकेटेड है। मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप अपने लिए कुछ खड़ा कर सकते हैं, लोग आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ये काबिले तारीफ है कि आपने सब चीज़ों को एसिमिलेट करके लोगों का साथ लेकर आप आगे बढ़े हैं। इसी तरह से चलते चलिए, आपको बहुत जल्दी शुभ संकेत या शुभता कार्य क्षेत्र के संदर्भ में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।